वेलकम टू द एग्जामगढ़। दोस्तों आप सभी का एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चली होगी। दोस्तों आपको हमारे इस चैनल में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, यूपीजी के, हिंदी और साइंस से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती है। तो दोस्तों आज है 18 जनवरी 2019 और 18 जनवरी 2019 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उन सब का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उस पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ज़रूर नोट करिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सीताराम सिंचाई परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों सीताराम सिंचाई परियोजना यह तेलंगाना ने शुरू की है। केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में तेलंगाना के सीताराम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को 3 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना के बाद 1930 हेक्टेयर क्षेत्र तथा 157 गाँव जलमग्न हो जाएंगे। दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के जल को डाइवर्ट करके तेलंगाना के भद्रदारी, कोठागुदेम, खम्मम तथा महबूबाबाद जिले के 2.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाना है। गोदावरी नदी के जल को अनिकट बांध से डाइवर्ट किया जाएगा। इस परियोजना के तहत दुम्मुगुदे अनिकट में गोदावरी नदी पर हेड रेगुलेटर का निर्माण किया जाएगा तथा 372 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण भी किया जाएगा। दोस्तों तेलंगाना की बात की गई तो तेलंगाना से इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है। तेलंगाना में 31 जिले हैं। तेलंगाना की राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। दोस्तों तेलंगाना का विधानमंडल 2 सदनीय है। यहाँ विधान परिषद की 40 सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं। और दोस्तों यहाँ का उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला मानव अधिकार टीवी चैनल 16 जनवरी 2019 को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल 16 जनवरी 2019 को लंदन में लॉन्च किया गया है। इस चैनल को इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों यह वेब आधारित चैनल पूरे यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों में दर्शकों के लिए मानवाधिकार मुद्दों को प्रसारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2019 को एक्जिम बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दे दी है। भारत निर्यात आयात बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपये की पुनर्पूंजीकरण की राशि देगा। वर्ष 2018-19 में 4500 करोड़ रुपए और वर्ष 2019-20 में 1500 करोड़ रुपए की 2 किस्तों के जरिए इसे जारी किया जाएगा। दोस्तों एक्जिम बैंक की बात की गई है तो एक्जिम बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में कहते हैं इसी को आयात निर्यात बैंक। दोस्तों एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों ये RBI द्वारा विनियमित है। वर्तमान में एक्जिम बैंक के MD और CEO डेविड रस किन्हा हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मर्रे व डार्लिंग नदियों के किनारे सूखा के कारण लाखों मछलियां जनवरी 2019 के दूसरे सप्ताह में मृत पाई गई हैं?
तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के मर्रे व डार्लिंग नदियों के किनारे सूखा के कारण लाखों मछलियां जनवरी 2019 के दूसरे सप्ताह में मृत पाई गई हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। इन्होंने मैकलम टर्नबेल का स्थान लिया था। इसके पहले मैकलम टर्नबेल ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री थी और अब स्कॉट मॉरिसन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG के रूप में संजय जैन और KM नटराज दोनों को नियुक्त किया है। दोस्तों वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन इससे पहले 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त थे और KM नटराज अप्रैल 2015 में दक्षिणी क्षेत्र के ASG के रूप में नियुक्त थे। संजय जैन 30 जून 2020 तक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पदभार संभालेंगे। दोस्तों सॉलिसिटर जनरल की बात की गई है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। 10 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 30 जून 2020 तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST व्यवस्था के लिए तहत रियल इस्टेट को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंत्रियों के समूह संचालक किसे बनाया गया? तो दोस्तों सरकार ने GST शासन के तहत अचल संपत्ति क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय समूह का गठन किया है और गुजरात के उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM नितिन पटेल इसके संयोजक बने हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और गोवा के पंचायत मंत्री इसके अन्य सदस्य हैं। दोस्तों GST की बात की गई तो GST का फुल फॉर्म तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ये पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM ने किस राज्य में कोल्लम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोल्लम बाईपास को केरल राज्य में समर्पित किया है। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह अल्लापुझा और तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा के समय को कम करता है। विशेष रूप से यह 50-50 केंद्र राज्य भागीदारी पर की गई देश की पहली राष्ट्रमार्ग परियोजना है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन बन सकता है कि 50-50 केंद्र राज्य भागीदारी पर की गई देश की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कौन है? तो दोस्तों उसका आंसर होगा कोल्लम बाईपास। दोस्तों अब केरल की बात की गई है तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। केरल की राजभाषा मलयालम है। केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और ये भाकपा पार्टी से हैं। दोस्तों केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं और केरल में कुल 14 जिले हैं। दोस्तों मसालों का बगीचा भी केरल को कहते हैं। पूर्व का बेनिस कोच्ची का उपनाम है और अरब सागर की रानी भी कोच्ची को कहते हैं। दोस्तों केरल की जनजातियां कादर, उराली, मोपला, इरूला और पनियान हैं। दोस्तों पाराम्बिकुलम अभयारण्य यह भी केरल राज्य में है और इसकी स्थापना वर्ष 2008-09 में की गई थी। दोस्तों पेरियार बाघ अभयारण्य यह भी केरल राज्य में है, इसकी स्थापना 1978-79 में की गई थी। दोस्तों बहुत ही फेमस परियोजना है इडुक्की परियोजना, यह पेरियार नदी में है और यह केरल में स्थित है। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा सबरीमाला मंदिर, यह केरल के पत्तनमतिहा जिले में स्थित है और दोस्तों सबरीमाला मंदिर ये भगवान अयप्पन को समर्पित है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि मकर वल्लाकु त्यौहार किस राज्य का है? तो दोस्तों वह भी केरल का है, वो सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझी मुंज में कलाकार अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने सांझी मुंज कलाकार अभियान को शुरू किया है। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की बात की गई तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952-53 में की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना में मतभेद है, क्योंकि आपके गूगल में आप देखेंगे तो आपको ये 31 मई 1952 मिलेगा, किंतु अगर आप इसको बुक्स में पढ़ेंगे तो ये 1953 मिलता है। तो दोस्तों इसलिए हमेशा इसका ऑप्शन सिर्फ एक ही आया करता है एग्जाम में, जब भी पूछा जाता है या तो 1952 या तो 1953, और इसके दोनों आंसर्स सही हैं। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है, और ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष श्री शेखर सेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी 2019 को मुंबई में इंडिया रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 17 जनवरी 2019 को मुंबई में इंडिया रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। दोस्तों इंडिया रबर एक्सपो को एशिया का सबसे बड़ा रबर एक्सपो माना जाता है। यह आयोजन भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ मिलने और सहयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी 2019 को गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी 2019 को प्रयागराज में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन परमार्थ निकेतन, हरिजन सेवा संघ और ग्लोबल इंटरफेथ अलायंस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम की क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों 16 जनवरी 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दे दी है। इसे पारादीप से नुमालीगढ़ तक एक कच्ची तेल पाइपलाइन और नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक एक उत्पाद पाइपलाइन की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इस रिफाइनरी का विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय सेना अभ्यास का दूसरा संस्करण इम्बैक्स 2018-19 चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में शुरू किया गया है? तो दोस्तों भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास का दूसरा संस्करण इम्बैक्स 2018-19 चंडी देवी मंदिर सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ है। यह पश्चिमी कमांड चंडीगढ़ का मुख्यालय है। इस 6 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के तहत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भागीदारी के लिए म्यांमार प्रतिनिधिमंडल को प्रशिक्षित करना। अभ्यास में म्यांमार सेना के 15 अधिकारियों और भारतीय सेना के 15 अधिकारियों ने भागीदारी ली है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष बिपिन रावत हैं। दोस्तों म्यांमार की बात की गई है तो म्यांमार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों म्यांमार की राजधानी नैपिदा है, और इसकी पहले राजधानी रंगून थी जिसे यांगून भी कहते हैं। वर्तमान में नेपाल का सबसे बड़ा नगर यांगून है। नेपाल की राजभाषा बर्मी है, यहाँ के निवासी बर्मीज कहलाते हैं। वर्तमान में म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट हैं और राज्य सलाहकार आंग सांग सू की हैं। दोस्तों नेपाल की मुद्रा क्या है? दोस्तों कल की कुजी का आंसर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जयदीप गोविंद को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज की कुछ का सवाल है, भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट करके दे सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।